इन्होंने मेरे वीडियो को एडिट कर गलत वीडियो चला है। अब क्रिमिनल ऑफेंस फेस कर रहे लोग। मैं इतनी नीचे स्तर के प्रचार की कल्पना ही नहीं कर सकता। किसी का स्टेटमेंट क्या है, मैंने ऐसा कहा है कि हम माइनॉरिटी का आरक्षण खत्म कर देंगे जो तेलंगाना में, वो कह रहे हैं कि हम ST SC का करें। ये इनकी मंशा मेरे मुंह में रखवा कर निकाल रहे हैं। जिस तरह की राजनीति अब हो रही है, हालांकि उसमें FIR दर्ज भी हो गए हैं, रेवंत रेड्डी को भी वहां पे बुलाया गया है, लेकिन उसको किस तरह से देखते हैं कि जो इस तरह से फेक वीडियो जो डीफेक वीडियो चला रहा जा रहा है? देखिए, राजनीति का स्तर राहुल गांधी बहुत नीचे ले जा रहे हैं, जो देश के लिए अच्छा नहीं है। देश की जनता ने इस पर सोचना चाहिए। राहुल गांधी और अभी तक अमेठी और रायबरेली की चर्चा भी नहीं हुई, रायबरेली अमेठी में उम्मीदवार का ऐलान नहीं कर पाए हैं अभी तक, क्या कहेंगे आप? आत्मविश्वास नहीं है, आत्मविश्वास होता तो छोड़कर जाते ही क्यों? आपको लग रहा है एक बड़ी जीत के साथ और आगे भी जिस तरह की समर्थन है, आगे भी समर्थन ऐसा ही मिलेगा आपको? निश्चित रूप से मिलेगा। हम प्रचंड बहुमत के साथ NDA 400 पार कर हम सरकार बनाने जा रहे हैं, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री। बहुत बहुत धन्यवाद। अमित शाह ने कहा, साफ तौर पे कहा कि जबरदस्त समर्थन भी, और खास करके जिस तरह डीपफेक जो वीडियो चले हैं और जो आरक्षण का मसला है उसको लेकर आड़ो हाथ लेते हुए कहा कि ये साजिश है एक तरह से विपक्ष की, जो गलत वीडियो के जरिए घेरने की कोशिश, और जनता सब जानती है। कैमरा इमरान के साथ अमित कुमार, टाइम्स ऑफ भारत, गुवाहाटी। तस्वीरें आपको गुवाहाटी से दिखा रहे हैं और ये एक्सक्लूसिव बातचीत भी टाइम्स नाउ नवभारत के सहयोगी के साथ आप देख रहे थे, गृहमंत्री अमित शाह की, जिसमें राहुल गांधी पर टिप्पणी जोरदार करते हुए हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर आत्मविश्वास होता तो राहुल गांधी कब से अमेठी से पर्चा दाखिल कर चुके होते, वहाँ चुनावी मैदान में होते। और साथ ही कैसे झूठे वीडियो कांग्रेस द्वारा फैलाए जा रहे हैं, एक बेहद ही खराब दर्जे की जो राजनीति हो रही है जिसकी वो कल्पना नहीं कर सकते, ये तमाम आरोप उन्होंने आज विपक्ष पर लगाए हैं। और साथ ही कहा कि क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें, अमित शाह का आरक्षण को लेकर एक डीपफेक वीडियो वायरल हुआ था और ऐसे में कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए मुकदमा भी दर्ज करवा दिया गया है, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल, ये तस्वीरें आपको नॉर्थ ईस्ट की एक वानगी दिखा रहे हैं, गुवाहाटी की एक झलक दिखा रहे हैं कि कैसे गृहमंत्री अमित शाह की रैली में भारी जनसैलाब उमड़ा है। सड़क पर कहीं भी आपको जगह नजर नहीं आएगी, जहां तक नजरें जाएंगी वहां तक सिर्फ बीजेपी के समर्थक। अमित शाह की रैली में मौजूद तमाम वो लोग बीजेपी के झंडे लहराते नजर आ रहे हैं। आज नॉर्थ ईस्ट के अगले चरण के चुनाव के लिए प्रचार कर रहे गृहमंत्री अमित शाह गुवाहाटी पहुंचे हैं और सीधी तस्वीरें आपको गुवाहाटी की दिखा रहे हैं, जहां उनका भव्य रोड शो हो रहा है। आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री के रोड शो में भारी जनसैलाब जो है वो उमड़ा हुआ है। और साथ ही नवभारत से एक्सक्लूसिव बातचीत भी अमित शाह ने की है। राहुल गांधी को लेकर एक बार फिर से हमलावर हुए, कहा कि आत्मविश्वास खो चुके हैं राहुल गांधी, और अगर खुद पर विश्वास होता तो वो अमेठी छोड़ते ही नहीं, और खुद पर विश्वास होता तो अमेठी से कब का पर्चा दाखिल कर चुके होते। हमारे सहयोगी अमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनकी एक्सक्लूसिव बातचीत भी आप देख रहे थे गृहमंत्री अमित शाह के साथ। और ऐसे में क्या कुछ खास इस दौरान रहा, जानने के लिए सीधा आपको लिए चलते हैं अमित के पास। अमित, एक तो जो जनसैलाब देखने को मिल रहा है, ये तस्वीरें वाकई बदलते नॉर्थ ईस्ट की और बीजेपी के प्रचार में उमड़ रहे समर्थकों की जो तस्वीर है, ये क्या बयां करती है? और साथ ही गृहमंत्री ने आपसे क्या कुछ खास बातचीत की, ये भी बताएं। देखिए, सबसे बड़ी बात कि जबरदस्त उत्साह यहाँ पर आपको मिलेगा गुवाहाटी में। करीब जो ये रोड शो है जो ये शुरू हुआ, आप देखिए जिस तरह की भीड़ है, बहुत ही धीरे धीरे करके उनका काफिला बढ़ रहा है, जो उनका रथ है बहुत ही धीरे, क्योंकि जबरदस्त आगे आपने तस्वीर में देखी होगी कि इतनी भीड़, आमतौर पर इस तरह से करीब कहा जा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा लोग इस पूरे इस रोड शो के दौरान मौजूद है। खासतौर से देखिए, सबसे बड़ी बात, गृहमंत्री अमित शाह ने इस बात को लेकर दोहराया कि जो आरक्षण के मसले पर लेकर जो बार बार भ्रम फैलाने की बात और गलत बातें फैलाने की कोशिश की जा रही है, खास करके उनके वीडियो के साथ, जो वीडियो जिस तरह से फेक वीडियो किया गया, उन्होंने कहा कि कानूनी लड़ाई का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने साथ ही कहा कि ये निचले स्तर की राजनीति है, ये निचले स्तर की राजनीति है जो कि विपक्ष और कांग्रेस कर रही है, कि उनके वीडियो को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, डीफेक वीडियो बनाया जा रहा है। उन्होंने बात कुछ और कही थी, अल्पसंख्यक जो आरक्षण उसे खत्म करने की बात की थी, जो कि तेलंगाना में लगाया गया, लेकिन उनके वीडियो को SC ST OBC के साथ जोड़ दिया गया। तो इसको लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने खुले शब्दों में कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी आरक्षण खत्म होने की बात नहीं है, लेकिन
जो विपक्ष है वो जानबूझकर गलत तरीके से निचले स्तर की राजनीति कर रहा है। उन्होंने एक और बात कही कि जो 400 पार की बात है वो पूरी तरह से जो समर्थन है जिस तरह का जन समर्थन इस यहाँ पर रोड शो में मिल रहा है कि उन्होंने ये भी कहा कि दो फेज के चुनाव के बाद भी पूरा जो उनकी उम्मीदें थी उसके अनुसार वोट हुआ है, उनके पक्ष में हुआ है और आगे भी मतदान बीजेपी एनडीए के पक्ष में होगी और जो 400 पार की बात की जा रही है वो बड़ी बहुमत से एनडीए की सरकार नरेंद्र मोदी नजर बनाए रखेगा। अमित बिल्कुल, और देखिए ये भी कहा जा रहा है 1 लाख से ज्यादा की तादाद में जो भीड़ है वो सड़कों पर उतरी है गृह मंत्री अमित शाह के इस रोड शो में शामिल होने के